सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर, इस आह्वान को लेकर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आज सहकार से सिद्धि तक के इस यात्रा की कड़ी में देश भर के 10.5 करोड़ जनजाति समुदायों और 1,17,000 गांव में बसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समुदाय को आत्मनिर्भर भारत के साथ इस तरीके से सशक्त, स्वावलंबन, सक्षम, समर्थ बनाने की एक अभूतपूर्व योजना के दृष्टि से आयोजित इस आदि महोत्सव में आपने देश भर के जनजातीय कला संस्कृति परंपरा जीवन शैली के साथ जुड़े उनके उत्पादों को, खाद्य पदार्थों को, परिधानों को और ऐसे क्षमता विकास के कार्यों के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, स्वरोजगार के दृष्टि से आगे बढ़ाने का, सहकार से सिद्धि का एक उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम में ट्राइफेड जो जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद विभिन्न राज्यों के सहकारी संस्थाओं जो फेडरेशन के रूप में, कोऑपरेटिव फेडरेशन के रूप में सबको मिलाकर जनजातीय समाज के बीच ट्राइब्स इंडिया के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक उनके उत्पाद पहुंचे, कला संस्कृति पहुंचे, कौशल पहुंचे, इस दृष्टि से आज इस आदि महोत्सव में आपने आने की कृपा की है, आपने समय दिया है। आपकी संवेदनशीलता जनजातीय समाज के प्रति, जो राष्ट्र के ताकत के रूप में उभर कर सामने नए तरीके से आए, उस दृष्टि से हमारे इस कार्यक्रम में, आदि महोत्सव में आपने आकर हमारा और देश के समस्त आदिवासियों का गौरव को बढ़ाने का, सशक्त बनाने का एक स्वर दिया है। इसके लिए मैं देश के 10.5 करोड़ आदिवासियों के तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर हमारे राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी, आदरणीय विशेषर टूडू जी, राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, डॉक्टर भारती पवार जी और हमारे ट्राइफेड का नेतृत्व करने वाले राम सिंह राठवा जी, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम में
माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर से जो आर्टिजन्स आए हैं, ट्राइबल आर्टिजन्स आए हैं, त्रिपुरा से, मेघालय से, नागालैंड से, अरुणाचल से, मिजोरम से, मणिपुर से, पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, दमन दीव से, दादरा नगर हवेली से, अंडमान निकोबार से, आज विभिन्न समुदायों के लोग यहाँ अपने उत्पादों को लेकर, अपने कला संस्कृतियों को लेकर, अपने खाद्य सामग्री और जिसको आपने हमेशा और इस वर्ष तो खास तौर से श्री अन्न के रूप में देश भर में, दुनिया भर में और खासकर आज जब यहाँ G20 का आयोजन आपकी अध्यक्षता में हो रहा है, भारत की अध्यक्षता में हो रहा है, उस समय देश के समस्त जनजाति समाज और देश के ऐसे किसानों के माध्यम से जो श्री अन्न, जो पहले के दिनों में हम मोटे अनाज के दृष्टि से कहते थे, जिसमें सबसे अधिक मिनरल्स होते हैं, जो शरीर को आवश्यकता होने वाली सामग्री उपलब्ध होती है, उसको आप श्री अन्न के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान और उसकी प्रसिद्धि हो और उस अनाज के बल पर हमारा एक दुनिया में जो परिचय दुनिया के लोग जाने, इसके लिए आपने जो इस वर्ष विशेष तौर से देश के तमाम नागरिकों को आह्वान किया है, उसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। स्वागत के इस कड़ी में अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त करते हुए लद्दाख के सुदूरवर्ती बर्फों से अधिकतर दिन ढके हुए पहाड़ियों 11,000 से 16,000 फीट के ऊंचाई में रहने वाले चंगपा जनजातीय समाज जो अपनी परंपराओं आदि संस्कृति के साथ जीने के लिए विख्यात है, स्थानीय चांगथांगी बकरे के ऊन से जो शॉल बनती है, पश्मीना शॉल लद्दाख से, लद्दाख की जो पहचान है, आज श्रीमती जुलिखा बानो आई है अपने हाथ से बुनी हुई उस शॉल को माननीय प्रधानमंत्री के सम्मान में सम्मानित करने के लिए मैं श्रीमती जुलिखा बानो बाई को आमंत्रित करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री को हृदय के भावों से शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान करें। भारत की जीवन पद्धति भाषा से अधिक भावों और भावों से संस्कृति की अभिव्यक्ति के लिए विख्यात है। आदिकाल से अपने सांस्कृतिक विरासत को भाषाओं से अधिक पटचित्र के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की परंपरा रही है। आज मैं उड़ीसा के नेशनल अवार्डी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित रामेश्वर मुंडा जी, जो ताड़ पत्र पर भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर द्वारकाधीश की यात्रा का वृत्तांत पटचित्र के माध्यम से वर्णित किया है, भारत की संस्कृति में ताड़ पत्र और भोजपत्र में जो वैदिक काल की ऋचाएं हैं उसको लिख करके लोग जीवन में अलंकार करते हैं, उसी तरीके से ताड़पत्र में चित्र बनाकर अपने पूरे ऐतिहासिक, धार्मिक,
आध्यात्मिक चिंतन को प्रस्तुत करते हैं, वैसे एक ताड़पत्र पर भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर वृतांत को विस्तृत रूप से पटचित्र में प्रस्तुत करते हुए द्वारकाधीश तक की यात्रा की वृतांत वर्णित है। मैं श्री रामेश्वर मुंडा जो उड़ीसा से आए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह स्वनिर्मित अपने से बनाए हुए ताड़पत्र में श्री कृष्ण के वृतांत के पटचित्र उन्हें समर्पित करें। गांव में, देहातों में शास्त्र को ताड़पत्र में इस ढंग से रखा जाता है। यही चित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। आज बेहद प्रसन्नता का विषय है कि देश के ऐसे क्षेत्र अबुझमाड़ और बस्तर, छत्तीसगढ़ का वो इलाका, अविभाजित मध्य प्रदेश का इलाका, जहां आदिकाल से परंपरागत ढंग से अपनी प्रस्तुति, अपनी जीवन पद्धति को, अपनी खुशी को इजहार करने की जो पद्धति है, उसको ढोकरा धातु शिल्प के माध्यम से, कांस्य के माध्यम से प्रस्तुत करने की पुरानी पद्धति रही है। यहां की पारंपरिक मड़िया मदीन जोड़े यानी सामूहिक नृत्य का गीत अपने खुशी का इजहार करने की एक पद्धति को प्राकृतिक जीवन आनंद की प्रस्तुति नृत्य गीत के माध्यम से, उस धातु के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। मैं शिल्पकार अविनाश अधमची जिन्होंने इसे अपने हाथों से बनाया है, और न केवल हाथों से इसे बनाया है बल्कि माननीय प्रधानमंत्री के लिए वो इस धातु शिल्प के माध्यम से अपनी भावों की अभिव्यक्ति की है कि जंगलों में किस तरीके से सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जनजाति समाज तमाम तरह के चुनौतियों का मुकाबला करते हुए खुशी से कैसे जीवन यापन करने की शक्ति रखते हैं। वो अपने हाथों से बनाई गई मूर्ति मड़िया मादिन जोड़े की नृत्य की मूर्ति, मैं निवेदन करता हूं अविनाश अधमची जिसे कि वो अपने हाथों से माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार देश को आह्वान किया है कि हम अपने ताकत को पहचानें, और उस ताकत को पहचानने के लिए रागी, मड़वा, कुटकी, कोदो जैसे उत्पाद जिसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन की प्रचुर मात्रा है, और जिसे इस वर्ष श्री अन्न के माध्यम से मिलेट ईयर के रूप में हम देशवासियों को मनाने का आह्वान किया है। यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने इसके लिए स्पेशल तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों से दुनिया भर में इस वर्ष को मिलेट ईयर के रूप में, श्री अन्न के रूप में मनाने का, और इसी कड़ी में जनजातीय समाज जो अपने देशज बीचों के बचाव के साथ ऐसे चीजों को, रागी, मड़वा, कुटकी, कोदो जैसे उत्पादों को जो आदिकाल से परंपरागत ढंग से खेती बाड़ी करते आया है, मैं श्री होनवेत जो मेघालय से आए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो सारे उत्पाद की एक प्रस्तुति अपने द्वारा अपने हाथों से माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। Thank you.
माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के जनजातीय लोगों के जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार जैसे विभिन्न ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार देश के सुदूरवर्ती, जैसे मैंने जिन क्षेत्रों का, जिन राज्यों का वर्णन किया, बातें कही, सुदूर जो पिछले 8 वर्षों में, जो 75 वर्षों में नहीं हुए, पिछले 8 वर्षों में, अब इन्हीं 8 वर्षों में 500 से अधिक विभिन्न ब्लॉक स्तर पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाए जा रहे हैं और पिछले 2 साल में कई स्कूल बन करके तैयार हो गए हैं। मैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बच्चों से खड़े होकर हाथ ताली देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करें, जितने भी एकलव्य मॉडल स्कूल के बच्चे यहां पर आए। इसी तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में जो विशेष तरह से कई तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जो वंशानुगत तरीके से फैली हुई, उसके लिए इस बजट में खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्प के साथ कि जब हम अमृत महोत्सव मना करके अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारा संकल्प 2047 में जनजातीय क्षेत्रों में वंशानुगत तरीके से जो समस्याएं पिछले वर्षों से चली आ रही है वो समाप्त होना चाहिए। इस बजट के माध्यम से विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है और मैं जनजाति मंत्रालय के तरफ से इस कार्यक्रम को विशेष तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से रुचि लेकर के किया है, उसके लिए मैं पूरे देश के जनजाति समाज के तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। स्वरोजगार का आपने देखा पैन इंडिया प्रोग्राम किस तरीके से चल रहा है पूरे देश में। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी की आकांक्षाओं को कैसे पूरा किया जाए, इस पर काम चल रहा है। और खास तौर कर पिछले कई वर्षों में, पिछले 8 वर्षों के कालखंड को जब हम देखते हैं, उस समय और आज के, अगर 2023-24 के बजट को देखते हैं, तो जमीन और आसमान का अंतर दिखाई देता है। विकास के दृष्टि से 8 वर्षों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, नल का जल योजना, ऐसे विशेष योजनाएं जहां प्रारंभ हुई है, वहीं राज्यों के साथ मिलकर के स्वरोजगार के दृष्टि से इस तरह के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। 2013-14 में जहां हमारा बजट मात्र 4,295 करोड़ था, आज 2023-24 में बढ़कर 12,461 करोड़ हो गया है। और यदि एसटीसी को, यानी पूरे मंत्रालय के साथ, पूरे सभी मंत्रालयों के जो ट्राइबल बजट है, वो इस बार 1,12,000 करोड़ रुपया जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष तौर से दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जैसे 4-5 ऐसे स्टॉल पर गए जहां स्पेशली, जिसको हम कहते हैं वेनरेबल, पार्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप, PBTG, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री PBTG प्रोग्राम आगामी 3 वर्षों के लिए स्पेशल कार्यक्रम 15,000 करोड़ का प्रारंभ करने का जिम्मेदारी दिया है, जिसके माध्यम से बुनियादी सुविधाओं से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, ऐसे जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में जहां तक लोग नहीं पहुंचे, वहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से सारी चीजें पहुंचे, इस संकल्प के साथ प्रारंभ किया जा रहा है। तो मैं आज इस बात के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जनजातीय क्षेत्रों और उसके संस्कृति को बढ़ावा देते हुए, जो आजादी के संघर्षों में वैसे जो लोग अपने जमीन, अपनी मिट्टी, अपनी भारत माता के लिए आहुति दिया, उनके लिए सम्मान कैसे बढ़े, उनको कैसे ढूंढे जाए, उसको कैसे खोजे जाए,
वो जो भूले बिसरे लोग हैं उनको कैसे इतिहास के पन्नों में फिर से लाया जाए। आदिवासी संग्रहालय, जनजाति संग्रहालय का निर्माण पूरे देश भर में सभी राज्यों में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को आज देशवासी और खासकर जनजातीय समाज गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। और इस बार जिस तरीके से 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस का उत्सव मनाया गया, वह उत्सव अभूतपूर्व तरीके से पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए सोशल मीडिया में जिस तरीके से उनको प्रसिद्धि मिली, उस कार्यक्रम को अभूतपूर्व रहा। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस तरह से जनजातीय समाज के मान प्रतिष्ठा और उनके पूर्वजों को जिन्होंने देश के लिए अपनी आहुति दी उसको सम्मान देने का काम किया है। इसी के साथ साथ ही देश में आज दुनिया के लिए उदाहरण बन गया है कि अब वो देश है जिस देश में वास्तविक रूप से जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम कहते हैं, लोकतंत्र के जो जननी है, लोकतंत्र की जननी भारत, उसको नए तरीके से दुनिया में प्रस्तुत किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जब देश के एक सुदूरवर्ती गांव में पली बड़ी महिला संथाली जनजाति समाज की आज देश के सबसे सर्वोच्च नागरिक का सम्मान राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हो रहे, आजादी के 75 वर्ष में 2014 के बाद देश को ऐसा नेतृत्व मिला है जहां न केवल आदिवासी समाज जनजाति समाज बल्कि देश पूरा गौरव कर रहा है और देश आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनने के दिशा में आदिवासी जनजाति समाज पीछे ना रहे, प्रधानमंत्री की हमेशा चिंता रहती है, हमेशा उसके बारे में योजनाओं का सूत्रण कैसे हो रहा है उसकी जानकारी लेते रहते हैं, हमें निर्देशित करते रहते हैं। और इसलिए मैं आज हृदय के गहराइयों से उनका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, मैं 10.5 करोड़ जनता की ओर से मैं पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अभिनंदन वंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।